और उकलते अगली खबर का उदयपुर हत्याकांड के बाद धमकी देने वालों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है और व्यापारी के साथ साथ आम लोग खौफ में हैं। अब तो दहशत भरे संदेश विदेश से भी आने लगे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस गैंग में कौन कौन शामिल है और आखिर इस दहशत फैलाने वाले गैंग पर लगाम कब लगेगी। देखिए रिपोर्ट। कोटा में क्लॉथ व्यापारी को धमकी, जयपुर में करणी सेना अध्यक्ष को धमकी, भीलवाड़ा में युवक को मारने की धमकी। धमकीबाजों पर लगाम कब तक? भीलवाड़ा के असिंध कस्बे के रहने वाले नारायण लाल गुर्जर को सोशल मीडिया पर धमकी मिली है। आरोपियों ने नारायण लाल के फेसबुक पेज पर कमेंट बॉक्स में धमकी देते हुए लिखा है कि एक की गर्दन निकल गई, शांति से नहीं बैठोगे क्या। उसके साथ ही धमकी देने वालों ने कमेंट बॉक्स में कन्हैया हत्याकांड के दोनों आरोपियों का फोटो भी शेयर किया है, जिससे नारायण गुर्जर का परिवार दहशत में है। असिंध कस्बा वही है जहां से कन्हैया लाल के आरोपियों का गहरा नाता रहा है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन कमेंट करने वाले आईडी को फर्जी बता रही है। सर, धमकी से मिली कि लगभग 10 दिन पहले मैंने सोशल मीडिया फेसबुक प्लेटफॉर्म पर रील्स के माध्यम से अपने पर्सनल धर्म के ऊपर भगवा ध्वज को भी वीडियो बनाया था, जो किसी भी आपत्तिजनक नहीं था, किसी धर्म को के ऊपर कोई भी गलत तरीके से नहीं बनाया था, मैंने नॉर्मली बनाता हूँ। तो उसके ऊपर 3 दिन पहले मेरे को एक कमेंट आया था महफूज मंसूरी के नाम से, जिसने उसने कमेंट किया था कि एक ही गर्दन कट गई है फिर भी शाम से नहीं बैठेंगे। और उसके साथ में जो उदयपुर में घटना हुई कन्यालाल एलर्जी की, उन दोनों के हथियारों के हाथ में धारदे हथियार के साथ में मेरे को एक फोटो भी सेंड किया था। नारायण लाल पिता मियाँ राम गुजर ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उसने बताया था कि मैंने एक पोस्ट डाली थी मेरी आईडी से, इसके ऊपर एक आपत्तिजनक कमेंट आया था। वो कमेंट है, उस नाम को वो आईडी फर्जी आईडी से है, उस आईडी की जांच की जा रही है, इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया, अनुसंधान चल रहा है। प्लस बांध में से कॉल आई तो मैंने उठाया, उठाकर के सुनने की कोशिश की तो उसने फॉक्स गालियां देनी शुरू की, तो मैंने मेरा दूसरा मोबाइल ऑन करके उसके ऊपर रख लिया और बात करता रहा और रिकॉर्डिंग पूरी मैंने उसकी की। रिकॉर्डिंग के अंदर उसने कहा, शुरू में ही बैठते ही पहले उसने ये कहा कि ये तेरी करनी सेना बंद कर दे, नहीं तेरे को जान से मार देंगे। वहीं कोटा के एक कपड़ा व्यापारी को अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से कॉल कर हत्या की धमकी दी गई है। व्यापारी को उसका हाल उदयपुर हत्याकांड जैसा करने की धमकी दी गई है और गाली भी दी गई। धमकी मिलने के बाद पीड़ित व्यापारी सुरेश चावला ने बोरखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने व्यापारी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। आपको मर्डर कर देंगे, उदयपुर में जो कांड हुआ है वही आपको अर्थ करेंगे और गालियां भी निकाली हमारे ऊपर, महावीर की गालियां दी और क्या बाहर निकल गए वो आपको मर्डर करने के लिए तैयार खड़े हैं। अच्छा ठीक है सर, तो मैं पहले दिन तो फोन काट रहा था, जितने भी मेरे पास फोन आए पहले दिन में फोन सबके काट रहा था, थोड़ी सी बात सुनी और काट। कोटा में भी एक व्यापारी को फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस के जवान उस व्यापारी की सुरक्षा के लिए यहां तैनात है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बोरखेड़ा का ये इलाका है जहां बोरखेड़ा थाना पुलिस के जवान या ये कहा जा सकता कि हथियारबंद जवान या जो व्यापारी है पीड़ित सुरेश चंद्र, उनकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। उदयपुर हत्याकांड के बाद जाँच में जो बातें सामने आ रही है वो काफी खौफनाक है और इसी बीच व्यापारी समेत आम लोगों को मिल रही जान से मारने की धमकी को हल्के में लेना प्रशासन के लिए बड़ी भूल होगी, इसलिए पुलिस को ऐसी घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है। भरतपुर में एक पुजारी को कन्हैया लाल की तरह हत्या करने की धमकी का जब पुलिस ने खुलासा किया तो आरोपी का नाम जानकर सभी हैरत में पड़ गए, क्योंकि सर तन से जुदा गैंग के नाम से पुजारी को उसी मंदिर के पूर्व पुजारी ने ही धमकी दी थी। पुजारी धमकी मामले में बड़ा खुलासा। पहले पुजारी ने दी थी सिर काटने की धमकी,
47 के आसपास कोई एक व्यक्ति अपने साइकिल पर जा रहा है, उसकी पहचान की गई तो वो पूर्व पुजारी ही निकले। तो उनको पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बात स्वीकार भी की और उन्होंने ये भी कहा कि मैं मेरी लिखावट से लिखता तो कोई पहचान में आ जाती, इसने मेरी पत्नी से लिखावट लिखाई। एमएसजी कॉलेज परिसर में बने हनुमान मंदिर के पुजारी ताराचंद को धमकी भरा पत्र चस्पा करने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुजारी को धमकी की खबर आने के बाद सकते में आए प्रशासन ने भी चैन की सांस नहीं ली। जानकारी के मुताबिक मंदिर के पहले पुजारी ने, जिसे कॉलेज प्रशासन ने 4 महीने पहले हटा दिया था, उसने अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर साजिश रची थी। मैं यहाँ से फ्री होने के बाद एक प्रकार से बेरोजगार हो गया और रोजी रोटी के लिए भी संकट आ गया। अब ये तो उनकी सोच है और जिस सोच के तहत जो आपत्तिजनक लिखी गई उससे विभिन्न समुदायों में आपसी भाईचारा और सौहार्द का ताना बाना, यदि ये घटना का समय पर खुलासा नहीं होता और कोई अनहोनी हो जाती तो ये एक सोच के बाहर है क्या घटनाक्रम घटित होता। दरअसल 15 जुलाई को हनुमान मंदिर के पुजारी ताराचंद को मंदिर में एक पत्र चिपका हुआ मिला। पत्र में 10 दिन में सिर तन से जुदा होने की धमकी लिखी हुई थी। पत्र में लिखा था कि या तो मंदिर छोड़ दो या फिर कन्हैया लाल की तरह सिर काट दिया जाएगा। पुजारी ने पुलिस को सूचना दी। सीसीटीवी फुटेज की जांच में मंदिर का पहला पुजारी ही आरोपी निकला। बहरहाल नौकरी पाने के लिए पुजारी एक साजिश में शामिल हुए और अपनी पत्नी को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। पहले पुजारी मनोज शास्त्री ने ताराचंद को डराने के लिए मंदिर में धमकी वाला पत्र चिपका दिया। अब पूर्व पुजारी और उसकी पत्नी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर।